सबसे कम प्राइस में देख सकते हैं दोस्तों, एक लक्ष्मी जी हैं, एक गणेश जी हैं। होलसेल में मात्र 5 रुपए में आप अपने घर तक इसको ले जा सकते हैं। बहुत अच्छा, इसके अंदर डिजाइन भी थोड़ा दिया गया है, डिजाइने हैं, कलाकारी इसमें ये है। यहाँ ठहरने के लिए कोई सरकारी सुविधा नहीं है, छोटी बड़ी गाड़ी इनके खड़ा करने के लिए कोई पार्किंग का स्थल नहीं है। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ चुनार के मूर्ति मार्केट में। चुनार मिर्ज़ापुर में चुनार पड़ता है, चुनार मूर्ति मार्केट जो कि पूरे भारत में फेमस है। और अभी मैं मौजूद हूँ चुनार में, क्योंकि चुनार मूर्ति मार्केट के अंदर आपको मूर्ति का पूरा नज़ारा आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों आपको बता दूँ, इस वीडियो के अंदर आप लोगों को जानकारी मिलने वाली है कि कौन सी मूर्तियाँ क्या प्राइस की हैं और यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं ग्राहकों को आने के लिए। ये सभी जानकारी आज के इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा। और गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या नहीं हैं, ये सभी जानकारी आज के इस वीडियो में आप लोगों को पूरा डिटेल मिलने वाला है। तो वीडियो में पूरा बने रहे लास्ट तक, वीडियो पूरा कम्प्लीट देखें तभी समझ में आएगा कौन सा मूर्ति किस साइज़ का कितने रुपये का यहाँ पर बिकता है और भारत में सबसे सस्ता मूर्ति यहीं पे मिलता है। ये सभी जानकारी आज के इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है। अभी देख सकते हैं जिस दुकान पे हूँ मैं, तो दुकान का नाम है चुनार माटी कला मंदिर। यह जो कि स्टेशन रोड चुनार, चीनी विकास केंद्र चुनार, यानी कि स्टेशन रोड पे ये मूर्ति मार्केट पड़ता है, जहाँ से कि देख पा रहे हैं कि ये स्टेशन जाता है ये रोड। और यहाँ से स्टेशन लगभग यहाँ से 100 मीटर जो है कि आपका रेलवे स्टेशन पड़ेगा, चुनार जंक्शन जिसको बोलते हैं। और यहाँ से मार्केट लगना स्टार्ट हो जाता है, तो ये रोड चला जाता है आपको गंगा पुल, यहाँ पे इसके आगे मिलेगा 1 किलोमीटर दूर पे। और वहाँ से आप वाराणसी के लिए भी जा सकते हैं, और आगे चुनार किला भी पड़ता है 200 मीटर जो है कि चुनार किला भी पड़ता है इसी के जस्ट आगे। तो चलिए आज हम इस दुकान पर देखते हैं कि कौन सा मूर्ति क्या प्राइस का है, और दुकानदार जो हैं जो कि इस शॉप के मालिक हैं उनसे डायरेक्ट बात होगा, और बात होने के बाद यही बताएंगे खुद कि कौन सा मूर्ति क्या प्राइस का है। तो देखिए भैया हैं, हाँ क्या नाम पड़ेगा आपका? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाइयों को, और चुनार व्यवसायी और चुनार की तरफ से सभी कस्टमर, सभी देशवासियों को हमारी तरफ से, हमारे चुनार की तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएँ हैं। और इसी के साथ हम चुनार में जुड़े जो एक पहचान है चुनार की मूर्ति, चुनार एक पहचान जाता है, चुनार में मूर्तियों का एक संग्रह बहुत बड़ा जो है, कहा जाए तो छोटी और बड़ी तमाम कलाएँ उससे आप विराजमान हैं। और इसी के साथ हम कुछ जानकारी जो है हम अपने देशवासियों को, अपने कस्टमर को, मूर्ति से जुड़े व्यवसायियों को देना चाहेंगे, और ये बताना चाहेंगे कि चुनार का जो महीने का ये एक मेला है, और इस मेले में तमाम तरह के देश विदेश के लोग यहाँ आते हैं। अच्छा, 2 महीने से ये लगता है? 2 महीने का लगता है ये। और ये मतलब कितने वर्ष से यहाँ पे मूर्तियाँ का कारोबार हो रहा है? यहाँ तो लगभग मूर्तियों का कारोबार यहाँ 40 वर्ष से हो रहा है। 40 वर्ष का। आपके दुकान कब से चल रहा है? हमारा तो 1990 से ये 1990 से। अच्छा अच्छा, और तो ग्राहक यहाँ पे कहाँ कहाँ से आते हैं? ग्राहक यहाँ से आपके अपने देश के, आप विदेश तक आते हैं, जैसे कि भी आपको बताएं नेपाल से लेकर के अपने देश के बिहार से, गोरखपुर, यूपी, झारखंड, सभी जगह से यहाँ आते हैं। एमपी से भी आते हैं? एमपी से भी आते हैं। महाराष्ट्र वगैरह से? महाराष्ट्र, बम्बई से भी आते हैं कुछ व्यापारी, दिल्ली से भी आपके आते हैं। अच्छा हाँ, और मतलब काफ़ी, मतलब भारत के लगभग हर जगह से यहाँ पे व्यापारी आते हैं। जी जी जी। अच्छा, ये बता सकते हैं कि व्यापारियों के लिए क्या सुविधाएँ, यहाँ ठहरने के लिए क्या सुविधाएँ हैं, क्या कोई सरकारी आवास वगैरह यहाँ पे सुविधाएँ हैं कि नहीं? अभी तो सरकार की तरफ से यहाँ कोई सरकारी आवास, कोई धर्मशाला व्यापारियों के लिए मतलब नहीं है, यहाँ तक कि यहाँ कोई सरकारी ट्रांसपोर्ट का भी मतलब यहाँ पे ले जाने के ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा नहीं है, मतलब अपने गाड़ी से आएँ या तो गाड़ी से आते हैं। हाँ, ट्रांसपोर्ट की सुविधा है तो छोटा मोटा है, ये प्राइवेट वाले अपने ट्रांसपोर्ट खोले हुए हैं। हाँ, वो भी ज़्यादा हर जगह के लिए नहीं है मेरे हिसाब से, कुछ क्षेत्रों के लिए, कुछ क्षेत्रों के लिए, जैसे कि आपके
कुछ जिलों में गोरखपुर हुआ या बिहार हो गया, बिहार हो गया, हाँ ये सब जगह के लिए सुविधा है। बाकी पूरे भारत में चाहेंगे तो ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं मिला, नहीं कोई सरकारी सुविधा नहीं, सरकार की जगह तो सुविधा है ही नहीं, सरकार सुविधा नहीं, यहाँ तक यहाँ जो चुनाव जो व्यापारी आते हैं इनके लिए पार्किंग का भी, अच्छा गाड़ी खड़ा करने के लिए कोई पार्किंग भी नहीं है, कम से कम गाड़ी वगैरह कहाँ खड़ा कर पाएँ, ये सब सुविधा बनाना चाहिए, दिक्कतें झेलने पड़ती हैं व्यापारियों को, अच्छा साथ अच्छा साथ हम लोग दुकानदारों को भी बहुत परेशानी होती है। तो ये दुकान जो है पूरा जो मूर्तियाँ सजा कर आप रखे हुए हैं बड़ी से लेकर छोटी तक, ये देखिए ये आप ही का है जी जी जी। तो इसमें आप ग्राहकों को ये बताइए कि कितने साइज की कौन सी मूर्तियां हैं ये बताते रहे ताकि ग्राहकों को एक एक ठो मतलब बारीकी से बताइएगा ताकि ग्राहक यहाँ पे आएँ, मतलब उनको वहाँ से देख करके आएँ ताकि उनको लगे कि इतने प्राइस में यहाँ मूर्तियां मिल रही हैं इतने मूल्य की, ठीक है। तो हम विस्तार से सभी मूर्तियों के विषय में थोड़ी सा जानकारी देना चाहेंगे अपने सभी ग्राहकों को, ग्राहक और कस्टमरों को, कि जैसे कि अभी आपको हम दिखाए दे रहे हैं ये छोटी मूर्तियां हैं, अच्छा, ये देखिए ये सबसे आपकी दुकान की सबसे छोटी मूर्ति हमारी दुकान की ये है। अच्छा क्या प्राइस है इसका? इसका प्राइस इस समय ₹5 है, मात्र पाँच रुपये में एक लक्ष्मी एक गणेश, सबसे कम प्राइस में देख सकते हैं दोस्तों, एक लक्ष्मी जी हैं एक गणेश जी हैं जो होलसेल मतलब होलसेल में बता रहे हैं हम, होलसेल में मात्र ₹5 में आप अपने घर तक इसको ले जा सकते हैं और इससे अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं, जहाँ पे जाएंगे अपने तरीके से अपने प्राइस में बेच सकते हैं इसको, ठीक। तो हम इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, हाँ आगे और भी दिखाइएगा जरा, इससे बड़ी वाली, इससे बड़े में आपको हम दिखा रहे हैं, जैसे देखिए ये मूर्तियाँ आपको चुनार में आपको ₹10 जोड़ी का ये मिलेगा एक लक्ष्मी गणेश, अच्छा ₹10 का 10 रुपये, चलिए बहुत बढ़िया जो है कि ₹10 में देखिए कितना सुंदर मूर्तियाँ हैं मात्र ₹10 में, और इसको ले जाकर ग्राहक ₹20 तक ₹25 तक आराम से बेच सकते हैं, आराम से मतलब एक तरह से यहाँ पे एक तरह से बिजनेस भी हो गया कि लोग यहाँ से ले जा करके अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं दीपावली के मौके पे। और आगे दिखाइए और आगे कौन सी मूर्तियाँ हैं, अभी आपको हम दिखा रहे हैं ये हैं कुबेर जी, अच्छा ये कुबेर जी हैं, ये कुबेर जी हमारे यहाँ ₹5 का मतलब हमारे यहाँ, अच्छा आपको मिलेंगे बड़ा और छोटा, ये बड़े वाले कुबेर जी हमारे यहाँ, ये देखिए हाँ ये हमारे यहाँ ये ₹10 का मतलब मिलेगा, बहुत सुंदर है देखिए ₹10 में बहुत अच्छा है। बताना चाहेंगे ये सब मूर्ति जो है जिससे कि हम एक 1990 में ये काम सीख रहे थे और सीखते सीखते हमने फिर जो है कि 5 साल ट्रिच का ट्रेनिंग दिया सीखा कला को, उसके बाद फिर हम अपना स्वयं का मतलब, अच्छा उसके बाद से स्वयं करने लगे, धीरे धीरे अपना ये व्यवसाय मतलब स्वयं का व्यवसाय आज की डेट में आपका है। हमारा लगभग कितना मूर्तियाँ बेच देते हैं? लगभग जो कि जैसे इसका कोई वो नहीं है, जैसे कस्टमर आना फिर भी जैसे पूरे महीने में कस्टमर के ऊपर है, कस्टमर जैसे आते हैं उस हिसाब से बेचा जाता है, फिर भी 1,00,000 मूर्तियाँ बिक जाती हैं। हाँ मतलब बहुत से छोटे, ये एक तरह से घर घर का व्यवसाय हो चुका है, कारखाने यहाँ पे हैं हर जगह, हाँ तो हर घर में कुटीर उद्योग का ये एक रूप है, हर घर में हम लोग के यहाँ महिलाएं बच्चे सब लोग जुड़े हैं, साल भर हम लोग बनाते हैं। अच्छा अच्छा आगे दिखाइए और मूर्तियाँ, इससे थोड़ा ज़्यादा प्राइस की, इसके ज़्यादा ऊपर प्राइस आप जाएंगे तो जैसे, अच्छा ये इधर की जितनी भी मूर्तियाँ हैं जी जी सब कितने प्राइस की हैं? ये सब जो देख रहे हैं ये सब 15 रुपये जोड़ी का है, ये 15 रुपये, अच्छा एक लक्ष्मी गणेश, ये देखिए ये 15 रुपये जोड़ी का, 15 रुपये जोड़ी का देखिए सभी मूर्तियाँ हैं जी। और इससे थोड़ा और बढ़ा जाएंगे, इससे और थोड़ी सा ऊपर आप जाएंगे, जैसे आपको दिखा दें एक ये ज्वाइंट, ये ज्वाइंट ज्वाइंट वाला है, ये ₹20 का है, ये ₹20 डिजाइन और ये पूरी मूर्ति ₹20 का है, बहुत अच्छा इसके अंदर डिजाइन भी थोड़ा दिया गया है, सभी डिजाइने हैं कलाकारी इसमें ये है, चलिए ये ₹20 का है, बड़ा साइज भी है इसके अंदर डिजाइन भी है, अब और ये सभी जितना है सभी ₹20 का जी, सभी ₹20 का उसके ऊपर और अगर उसके जाएंगे तो अभी आपको दिखाई पड़ा है, देखो देखिए ये सब मूर्तियाँ हैं, ये सब ₹30, क्या प्राइस की होंगी मूर्ति? ₹30 का जितने भी इस लाइन के हैं ₹30 की जी जी, उसके ऊपर और जाएंगे जैसे देखिए ये देखिए नया मॉडल में है, ये नाव पे है, नाव पे ये सब 40, क्या प्राइस? 40 रुपये का,
होलसेल फिर ये देखिए ये मूर्तियाँ हैं ये सब सब 40 रुपये का। हाँ हाँ ये देखिए ये सब 90 रुपये का। अच्छा अच्छा 90 रुपये ये जो कृष्ण भगवान जी की मूर्तियाँ हैं राधा कृष्ण की ये 90 रुपये की। इसमें हनुमान जी भी हैं जैसे कि और हनुमान जी ये दुर्गा जी हैं 250 रुपये का ये पड़ेगा। अच्छा दुर्गा जी का मूर्ति जो 250 रुपये का है। जी जी जी। अच्छा इधर भी जो है और भी इसमें भी रेंज होता है। अच्छा अच्छा छोटा रेंज में होता है। हाँ छोटा रेंज में भी होता है। तो इस हिसाब से देख सकते हैं लगभग अभी आपको ये देखिए मूर्तियाँ हैं ये दुर्गा जी है ये महिषासुर वाला है। हाँ हाँ ये सब 250 का है ये 150 का है 150 का है जी। और आगे आप देखेंगे आपको दिखाइए देखिए जैसे आपको दिखाएं ये मूर्ति देखिए ये क्या प्राइस की है 25 रुपये जोड़ी का है ये सिर्फ 25 रुपये जोड़ी का है जी। बहुत खूबसूरत मूर्तियाँ हैं जैसे देखिए ये सब मूर्तियाँ हैं ये सब 25 रुपये जोड़ी का है ये सब। मतलब कि सबसे कम प्राइस जो आप बताएं 5 रुपये में जी जी और सबसे हाईएस्ट में आपके यहाँ कितने रुपए की मूर्तियाँ हैं 250 का। हाईएस्ट में मतलब मान चलिए 400 रुपये तक का मूर्ति 400 रुपये तक का 400 रुपये वाली मूर्तियाँ हैं आपके यहाँ जी। 400 में जैसे देखिए हनुमान जी। अच्छा ये हनुमान जी का जो मूर्तियाँ हैं मतलब 400 रुपये की है ऊपर है इसे पूरी मूर्ति नहीं दिखाई पड़ रही कोई दिक्कत नहीं है ग्राहक को इतने में समझ में आ गया। तो और आगे अच्छा आपके यहाँ इधर भी है तो इधर भी देख लेते हैं जैसे हमारे यहाँ देखिए जो एक ये सब मूर्तियाँ हैं हमारे यहाँ। हाँ ये जो ये, कलर में है ये कलर ये गोल्डन है गोल्डन कलर है एक मॉडल हाँ। मतलब है ये क्या प्राइस की है सब इसमें भी देखिए मतलब आपको प्राइस ये सब दिखा रहे हैं ये सब गोल्डन का मूर्ति है ये। हाँ हाँ ये 6 रुपये जोड़ी का है 6 रुपये जोड़ी गोल्डन वाले जी जी। इधर मतलब अंदर गोल्डन वाली मूर्तियाँ काफ़ी लगा चुकी हैं। हाँ इसमें 6 रुपये से स्टार्ट है। अच्छा 6 रुपये से स्टार्ट है ये बाकी जैसा मूर्ति है जिस जितना बड़ा होगा वैसे आपका प्राइस होगा। ठीक ठीक। तो भैया आप क्या चाहते हैं कि यहाँ के ग्राहकों के लिए क्या आप चाहते हैं कि सुविधाएं हो जाना चाहिए तो बहुत अच्छा रहेगा जो कि पार्किंग के लिए और रुकने के लिए यहाँ पे ठहरने के लिए हम सरकार की तरफ से अपने सरकार को और अपने उद्योग विभाग की तरफ से कि यहाँ जो आते हैं हमारे व्यापारी वर्ग उनके लिए यहाँ ठहरने के लिए कोई सरकारी सुविधा नहीं है। अच्छा अच्छा तो हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ एक गाड़ी जैसे हम आपको बताएं यहाँ गाड़ी जो लेके आते हैं छोटी बड़ी गाड़ी इनके खड़ा करने के लिए कोई पार्किंग का स्थल नहीं है। हाँ ऐसे रोड पे ही खड़ा कर देते हैं अगल बगल रोड पे पटरी पे खड़ा करते हैं कहीं दिक्कतें होती हैं रास्ते जाम होते हैं तो इसलिए एक पार्किंग का जो है कि यहाँ पार्किंग की सुविधा होना चाहिए और ग्राहक जो कि रात हो जाती है जी या दिन हो गए दूर से आए हैं तो उनके आराम के लिए एक धर्मशाला होना चाहिए या फिर सरकारी कोई भी आवास कोई भी सरकारी से? आवास हो जिसका मतलब हाँ। सरकार अपना शुल्क भी ले हाँ हाँ और आय भी बढ़े सरकार का भी हाँ हाँ व्यापारी को सुविधा भी हो व्यापारियों के लिए सुविधा भी हो जाए तो ऐसे मतलब एक सरकारी आवास होना चाहिए पार्किंग स्थल होना चाहिए जी। ये मतलब हम भी अपने चुनार माटी कला मंदिर तरफ से अपने तरफ से चुनार वासियों की तरफ से ये मांग करते हैं जी अपने सरकार से और अपने विभाग से जो मांग की ये सुविधाएँ यहाँ उपलब्ध कराया जाए। कौन से विभाग से हैं आप? हमारा तो जो है उद्योग विभाग से मतलब है। अच्छा अच्छा ठीक। दोस्तों जैसा कि भैया जी के द्वारा काफ़ी अच्छी जानकारी दी गई इस वीडियो के अंदर आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग क्या चाहते हैं और जो भैया जी ने बोला है क्या वो लोग आप लोग भी चाहते हैं तो आप लोग भी सपोर्ट करें और कमेंट करके बताएं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें। शेयर इसलिए करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा दूर तक पहुँचे और गवर्नमेंट को भी पता चले कि यहाँ पर चुनार में क्या लोगों की मांग है मूर्ति मार्केट को लेकर के और इतने भारत में मतलब हर जगह से लोग आते हैं यहाँ पे मूर्तियाँ खरीदने के लिए तो उन लोगों को भी तकलीफ़ होगा इस बात को लेकर तो उन लोगों को सुविधा चाहिए तो वो लोग भी चाहेंगे ना कि यहाँ पे सुविधा होना चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा इसीलिए करें ताकि वीडियो हर जगह लोगों तक पहुँचे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट।